विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम भाषा सज्जता देखेंगे। भाषा सज्जता में हम आज आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि मैं आज आपको क्या सिखाने वाली हूँ? हाँ, सही समझे आप, आज मैं आपको कहावतें समझाने वाली हूँ। तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, अर्थात अच्छा काम छोड़कर महत्व हीन काम में लग जाना। इसी प्रकार आपको ये सारी कहावतें जो हैं वो भाषा सज्जता में से समझकर अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है। देखिए, ये सारी कहावतें हैं, एक एक कहावतों का मीनिंग भी लिखा हुआ है और उसके वाक्य भी दिए हुए हैं। ये आपको सारा अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है। आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 12 पर दिया हुआ है, 11 से शुरू है, फिर 12, 12 पेज का पूरा, और उसके बाद दो जो हैं वो पेज नंबर 13 पर दिया हुआ है। सूचना देखो, नीचे लिखी हुई है, इन कहावतों को पढ़ने से पता चलता है कि उनमें से शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि कुछ विशेष अर्थ प्रकट होता है। कहावत का पूर्ण वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। कहावत का प्रयोग किसी बात के समर्थन या खंडन के लिए किया जाता है। हम किसी बात को अगर समर्थन करते हैं या उसका सपोर्ट करते हैं या उस बात को काटते हैं, उनके लिए कहावतों का उपयोग होता है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, मुझे आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कहावत क्या है वो भी आपको समझ में आया होगा। आपको अच्छे से ये अपनी नोटबुक में कॉपी करना है, समझकर और फिर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।